ये इजी सा फटाफट बनने वाला पैनकेक ना मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और बस दो खा लो ना तो पेट भर जाता है। मैंने बेसन थोड़ा ज़्यादा लिया है और रवा थोड़ी कम, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी रेशियो ले सकते हैं। दही से मिक्स करके रख देंगे तो अच्छे से उसमें सोक हो जाता है। 10-15 मिनट के लिए एटलीस्ट उसको रखिए। और इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल दिए मैंने, जैसे नमक, काली मिर्च और थोड़े से चिली फ्लेक्स। यदि आपको इसे सुबह नाश्ते में खाना हो ना, तो रात में ऐसे आप ये बेस बना के रख सकते हैं। वैसे तो आप इसमें ऊपर से सिर्फ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च बस का भी कोटिंग कर सकते हैं, बट मैंने पता है क्या किया, इसमें गाजर भी ग्रेट करके डाला है और पनीर। तो पता है इसमें क्या है, ये जो बनता है ना मिक्सचर, ये मिक्स करके ये जो सैलेड जैसा होता है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यदि रोटी होती है ना तो उसके साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। तो खैर, अभी तो ये हम पैनकेक्स के लिए बना रहे हैं, तो इसमें नमक और काली मिर्च मैंने मिक्स कर दिया है और अब बनाएंगे पैनकेक्स। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट डाल रही हूँ, इनो डाल रही हूँ, इससे थोड़ा अच्छा फ्लफी सा आएगा, खाने में अच्छा लगता है। तो ये आप एक मोटी सी लेयर इसकी लगा दीजिए, मतलब जो मिक्सचर है, और फिर उसके ऊपर ये वेजिटेबल्स अच्छे से ऊपर से पूरा कोट कर दीजिए, कवर कर दीजिए, और इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक आप कुक कर लीजिए स्लो फ्लेम पे। और बस दूसरे साइड भी 1 से 2 मिनट आप इसको सेकिए। और इसको क्या करिए, इसको टमाटर और धनिया पत्ती की जो चटनी होती है ना, उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा।